देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है। दो चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई है। अब राजनीतिक दलों का फोकस तीसरे चरण पर है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। राजीव शुक्ला ने कहा कि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। दो चरणों की वोटिंग में महागठबंधन आगे है। अब बीजेपी 400 पार की बात नहीं करती है, अब वो अन्य मुद्दों पर आ गए हैं। वहीं राजीव शुक्ला ने आगे की मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीटों पर उम्मीदवार जल्द घोषित करने की भी बात कही। साथ ही कहा कि चुनाव परिणाम में यूपी में चौंकाने वाले चुनाव रिजल्ट आएंगे। आज हम आए हैं एक उद्देश्य से, एक मकसद से, और उद्देश्य है कि लोकसभा के चुनाव चाहते हैं। ये चुनाव हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। पहले दो चरणों की वोटिंग आप लोगों को पता है। दो चरणों में जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया गठबंधन काफी आगे है, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में। और जो शुरू में जब चुनाव घोषित हुए थे तो लोगों को लग रहा था कि मतलब चुनाव है ही नहीं, सब एक तरफा चुनाव। आपको भी महसूस हो रहा था कि कोई जरा 350, कोई जरा 400 पार, कोई जरा कुछ। अब सब जिसको देखो, जहां भी जाओ, भाजपा के लोग भी कहते कि भाई साहब कटे रहो, नीचे अंडर करंट जबरदस्त, ये वो नहीं आने वाला है। और उसका असर ये हुआ है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अब 400 पार की बात